पीछे देख रहे हैं अभी जहां मैं हूं यहां पे भोपाल इस्तमा का पिंडाल ईंट खेड़ी जिसका नाम है भोपाल का इस्तमा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप मेन पिंडाल वो वहीं से होगा, स्टेज बन रहा है पर 18 तारीख से भोपाल का इस्तमा शुरू हो जाएगा और ये तैयारी पूरी तकरीबन हो चुकी है। भोपाल का इतिहास, भोपाल के इस्तमा का इतिहास तकरीबन 80 साल से भोपाल में इस्तमा हो रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई इस्तमा नहीं है जो कंटिन्यू 80 साल से होता हो, लेकिन भोपाल का इस्तमा ऐसा वाहिद इस्तमा है जो तकरीबन 80 साल से कंटिन्यू हो रहा है, एक रिकॉर्ड है। इस इस्तमा के अंदर पूरे वर्ल्ड से जमात करा देने के लिए, धर्म को सीखने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा पिंडाल यहाँ से लेकर तकरीबन 1.25 किलोमीटर का एरिया पूरा है, ये बनके तैयार है। इनमें सब नंबर डले हैं, सुल्तानी मस्जिद और विदिशा क्या क्या सब है, इसके अंदर अलग अलग नाम लिखा है नाम के साथ में। तो दर्शकों को दिखाना चाहता हूं मैं कि देखिए आप ये पूरा पिंडाल पूरा एरिया बनके तैयार है। आरिफ नगर है, रायसेन जिला है और क्या क्या सब लगे हैं, अलग अलग स्टेट जिले का अलग अलग नाम। दो दिन में क्या क्या काम किया आपने, करवाया? मेरा काम जो था, पहले से लोग साथी यहाँ मौजूद थे, एक एक महीने से खिदमत कर रहे थे जी, तो लाइट का काम कर रहे थे। जितने भी यहाँ पर लाइट का इंतजाम है उनमें डोरी लगाना, बल्ब टांगना, उनकी फिटिंग करना, तो मैंने भी थोड़ा बहुत हाथ उनके साथ बंटवाया। माशाल्लाह। अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे कि इस सारे पिंडाल को बनाने, पूरी स्टेज तैयार करने में कितना वक्त लगता होगा? डेढ़ से दो महीने तक काम चलता पहले से ही। तो देखा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया इस्तमा का, ये जो पिंडाल है तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक काम चलता है, उसके बाद जाके आम जनता के लिए पूरा तैयार होता है। यह इस्तमा का पूरा सिस्टम है और ये पूरा सेंट्रल बना है इस्तमा की तैयारी के लिए। यह स्टाफ है, वर्कर है यहाँ के, ये सब काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरे इस्तमा के जो लोग आएंगे यहाँ, लेटरिन बाथरूम है, वजू के लिए पूरा यहाँ निजाम इंतजाम किया गया है और तकरीबन कई तैयारी होती कई महीने से, तब जाके ये पूरा मुकम्मल होता है। बराए मेहरबानी सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि कई लाख लोग जनता होती है तो इस तरह के बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हर साइड से हर एंगल से ब्लॉक सिस्टम बनाया गया है, कहीं बी है, कहीं सी है, कहीं डी है, कहीं एफ है, ताकि लोगों को दिक्कत न हो एक दूसरे को ढूंढने के लिए। ये एरिया पूरा वजू खाने के लिए बनाया गया है और ये गोदाम इस्तमा गा का कुछ स्टाफ है यहाँ के, जो लोग काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं वो हैं। अब देख सकते हैं कि इस वजू खाने में जो कंकड़ी, ये जो गिट्टी छोटी छोटी यूज की, जीरा गिट्टी, इसलिए किया गया है कि इसके अंदर जो है जो लोग आएंगे तो कीचड़ न पैदा हो, कीचड़ न हो, जिसकी वजह से ये पूरा कंकड़ी डाला गया है। ये बहुत बड़ा एरिया है, पानी की टंकी रखी गई है और हजारों की लाखों की तादाद में लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि गदर होगा, कुछ भी हो सकता है, कीचड़ होगा, लोग गिरेंगे, तो इस वजह से पूरी मेहनत की जा रही है कंकड़ी यहाँ आ रही है गिट्टी डाल करके। जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही आते हैं, बहुत से काम अभी अधूरा बचा है, बाकी है, उसको पूरा करना है कल शाम तक, और ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को कोई दिक्कत चाहेंगे कि इस इस्तमे की वजह से यहाँ के लोग बड़े खुश हो गए, बहुत खुशहाल हो गए। क्यों कि साल में एक बार 4 दिन के प्रोग्राम से इनको बहुत फायदा मिलता है, होता फायदा? हाँ, होता है फायदा। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग मुसलमान नहीं हो शायद? नहीं, है ना। एक गैर होने के नाते जो इस्तमा होता है तो खुशी होती है? होती है, क्यों नहीं होती? ग्राहक आते हैं? हाँ आते हैं। ऐसा लगता है, अपनी अपने बात बताओ। अच्छा लगता है। जब इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो इस रूट पे था कुछ? हाँ, नहीं, तो अपना तो जो अभी है वही है, वही है, अपना तो बढ़िया चलता है पहले से ही। हाँ। और इस्तेमाल होने की वजह से और थोड़ा ज्यादा रश हो जाए, बढ़ जाता है, खुशी होती है ना।